नींद किन की उड़ती है जो द्वंद्व में जीते, जिन्हें ये समझ में नहीं आ पता करना क्या। आप देखना, आपको कल कोई सौदा करना है या आपको कोई चीज खरीदनी है, जो भी आप समझ वो आप लगा लेना, तो आपकी रात की नींद उड़ जाती है। आप सोचा ही क्यों उड़ गई, सौदा तो सुबह होगा, नींद अभी क्यों उड़ गई? क्योंकि आप द्वंद्व में चले जाते हो कि वो 50 लाख बोल रहा है और मुझे ये तो 45 में लेना है, अब मैं उसको 48 बोलूंगा, अब मैं उसको 49 बोलूंगा, नहीं नहीं यार वो भरमानेगा नहीं, क्या है ये सब। अब द्वंद्व, और ये द्वंद्व आपको जीने नहीं देगा। तो आपको ये द्वंद्व बहुत स्थूल है तो समझ में आता है, अंदर आपके 24 घंटे द्वंद्व चल रहा है। आप दिन भर अपनी भावनाओं को दबा दबा के समाज के सामने आप कुछ और बन जाते हो, और रात को सपने आते हैं कुछ और, तो सुबह उठ के घबरा जाते हो कि हो क्या रहा है। दिन भर आपने एक भी स्त्री की तरफ नहीं देखा और आपको लग रहा था मैं बड़ा ब्रह्मचारी हो गया, और रात में स्त्रियां दिखी, आपको घबराहट हो जाती है हो क्या रहा है, पर आप उसे सपना कह देते हो, कह रहे नहीं 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 सपना सपना नहीं, वो आपकी संप्रेषण आपने जो दबाया है, समझ में आया। और मैंने स्त्रियां जानबूझ के बोला, अरविंद जी थोड़ा घबरा रहे थे, मैंने इसलिए बोला कि मुझे पता है तुम्हारी सबसे गहराई में जाके वो ही दबा है, तुम उसे भले ही दबा लेते हो सामाजिक दृष्टि से, तुम लेकिन इस बात से घबराओ मत, वो भी एक प्रकृति का हिस्सा है, उसे डरना क्या है, वो है ना, और कौन उससे परिचित नहीं है, लेकिन अपन कहते किसी से नहीं, और सबसे ज्यादा परेशान उसी से, समझ में आया। आपको रात को ऐसे सपने आते, अब राजा बन गए, कमाल हो गया, आप दिन भर त्याग के सपने देख रहे थे, मुझे रात में भोग के सपने कहां से आ गए, समझ में नहीं। आज आपने उपवास कर रखा, आप आज आप देखा, आप जिस दिन उपवास करके देखना, आपको 7 बजे से 8 बजे रोटी दिखने लगेगी, आपको कोई कमाल हो गया यार, मैं दिन भर इसी रोटी को तो छोड़ा था, इसी रोटी को तो छोड़ा था, और ये 7-8 बजे से तो वो दिखना चालू हो गई, समझ में आया। और 9-10 बजे 11 बजे जैसे तैसे करके सो जाते हो, लेकिन रोटी तो अंदर थी, वो गई कहां थी, वो तो आपने उपवास के नाम पे, अष्टमी के नाम पर दबा ली थी भाई, कैसे भी करके नियम व्रत के आधार पर, लेकिन रात में आप दबा नहीं सकते, क्योंकि रात में एक सिस्टम है, समझ लो बहुत गहराई से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, अभी शास्त्र से नहीं बोल रहा हूं, हालांकि शास्त्र में इस भाषा में नहीं लिखा, लेकिन लिखा सब इसी में है। क्या होता है, हमारे 2 मन है, एक मन दिन में जागता है, जैसे 2 चौकीदार होते, एक दिन वाला एक रात वाला, ऐसे हमारे 2 चौकीदार है, ये दिन वाला चौकीदार अलग है और रात वाला चौकीदार अलग है। ये जो दिन वाला चौकीदार है ये बाहर के तल पे जीता है, इसको बाहर से जो जो सूचनाएं आप देते हो, क्रोध बुरा है, मान बुरा है, लोभ बुरा है, काम वासना बुरी है, ये बुरा है, उपवास करो, ये करो, तो वो ऐसा उस तल पे जीता है, और फिर वो बाहर वो ही प्रेजेंटेशन देता है जो जो आपने उसे अच्छा बताया था, और जो बुरा बुरा है उसे अंदर फेंकता चला जाता है, वो बाहर नहीं फेंकता, कहाँ करता जाता है, अंदर, वो सब अंदर डालता है, और ये रात में सो जाता है ये वाला मन, तो तुमने जो अंदर डाला था वो वाला मन जागृत हो जाता है, और जो अंदर डाला था फिर वो तुम्हें सपने में दिखता है, असली वो ही है, क्योंकि वो दबाया था। और फिर आप क्या करते हो उस समय उठ के, कि आप फिर आपको घबराहट तो होती है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भी उसे नहीं नहीं वो तो सपने हैं, सपने तो काल्पनिक होते हैं, क्या सोचना, चलो आगे बढ़ो, लेकिन आप फिर भी गलती कर रहे हो, ये सपने आपके कहीं और से नहीं आए, इनके जन्मदाता भी आप ही हो, ये उसमें मत छोड़ देना कि पर्याय स्वतंत्र जवानी थी आ गई ये भी तुम्हारे सब जो लड्डू काम नहीं करेंगे, ये सब मुफ्त में जाओगे। देखो भाई बात गहरी समझो, तुम्हें सपने भी वो ही आते हैं जितनी सीमाओं में तुम सोचते हो या अपने को रोकते हो, इसलिए आप देखना हमेशा आप उल्टा पाते हो, हमेशा ये द्वंद्वात्मक जिंदगी जीना बंद करो, बिल्कुल जीना, आप भोग में जाते हो तो उसको पूरी होश पूर्वक भोगो कि क्या है, आपको क्रोध आया आप क्रोध को देखो शांत होकर के, क्यों आया, क्या बात थी, कर भी दिया तो कोई बात नहीं, करने के बाद देखो कि मुझे असलियत में क्रोध आया क्यों। तुम जल्दी निमित्त पे मत जाओ, तुम सोचते जैसे हमने पूछा कि भैया तुम क्रोध क्यों करा, तुमने ही तो गलती करी, तो तुम उस पर निमित्त पे डाल के आगे निकल जाते हो, नहीं ये क्रोध कभी बंद नहीं होगा, ये फिर आएगा, क्योंकि निमित्त तो सदा काल रहेंगे,
तो फिर करूं क्या कि देखो अंदर से कि वास्तव में मुझे क्रोध आया क्यों है, उसका निरीक्षण करो। और आप जब उसका बहुत गहराई से निरीक्षण करोगे तब आप क्रोध के बारे में पूरी तरह परिचित हो पाओगे। मान के आपको मान आता ना, मान आप उसे जल्दी मत बोलो चारित्र मोह का उदय है, देखोगे मान है क्या चीज, ये मान मुझे कितना परेशान करता है, ये मान मुझे जीने नहीं देता, और मैं ऊपर से हरे राम हरे कृष्ण करता रहता हूं और अंदर मान खाए जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? अंदर देखो, इसलिए आपका जीवन में रूपांतरण नहीं होता। और आप सोचते रहते हो हमने इतना त्याग किया, हमने इतनी पूजा करी, इतनी भक्ति करी, इतना स्वाध्याय सुना, लेकिन ये सब ऊपर के ही तल पे है, अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, वो अंदर रोशनी जा ही नहीं रही। जहां परिवर्तन करना है वहां तक आप पहुंच ही नहीं रहे।